हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहंस पढ़ाई में आज हम करेंगे अपना स्पीच राइटिंग जो कि बिल्कुल निबंध राइटिंग जैसा ही है तो इसमें कुछ पहाड़ तोड़ेंगे या फिर रॉकेट साइंस में है नहीं बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही क्या इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह है ना तो आज हम स्पीच राइटिंग स्टार्ट करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना और इनको डाउनलोड कर लेना फ्री में दोनों इंस्टा और टेली के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है भाई दस नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ी बहुत इसको अहमियत दे सकते हैं हम ठीक है क्योंकि काफी बड़ा है और दस नंबर किस चीज के एक तो जो आपका फॉर्मेट है कि आप ओपनिंग कैसे करो और आपका कंक्लूजन है वो तो एक नंबर का है जो आप इसके अंदर कंटेंट लिख रहे हो वो चार नंबर का है उसके बाद आपकी ग्रामर वर्ड स्पेलिंग एक्यूरेसी वो ढाई नंबर की है और आपके आइडिया स्टाइल आपकी, आपकी विचारधारा कैसी है उसके ढाई नंबर की है तो ढाई ढाई पांच ठीक है और उसके बाद चार और एक पांच पांच प्लस पांच दस वेरी गुड ओके सो अब इसका हम फॉर्मेट कर लेते हैं कि कैसे क्या फॉर्मेट होनी चाहिए सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखनी है आई कैची होनी चाहिए आपकी हेडिंग ठीक है वो पाँच छह वर्ड की होगी इसे आप इसे ये दिखाते हैं कि आप इंग्लिश में कितने क्रिएटिव हो तो हेडिंग लिखोगे ठीक है उसके बाद ओपनिंग लाइन कैसे करोगे मतलब सैल्यूटेशन जैसे आपको बोलते हैं कि भाई असेंबली में कल आपको स्पीच देनी है तो आप ओपनिंग लाइन भी तो दोगे दो ना ग्रीट करोगे सबको गुड मॉर्निंग जजेस वगैरह टीचर्स प्रिंसिपल्स और माय डियर फ्रेंड्स फेलोमेट्स इस तरीके से और उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन नहीं करनी बस आपको सैल्यूटेशन बताना है और आप ये बताना है कि आप स्पीच प्रोवाइड करने जा रहे हो स्पीच देने जा रहे हो किस टॉपिक पे दे रहे हो तो आपको ऐसे ओपनिंग लाइन लिखनी है ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कैसे आप ओपनिंग लाइन लिखोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल प्रिंसिपल होंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड टुडे आई और अगर आपको क्वेश्चन में नाम गिवेन है तो वो लिख देना नहीं तो एक्सवाइजर ठीक है टुडे जे आए स्टैंड बिफोर ऑल ऑफ यू टू स्पीक अबाउट द टॉपिक और जो आपका टॉपिक है वो लिख दोगे इन्वर्टेड कॉमास एंड फुल स्टॉप ठीक है सो so, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो ओपनिंग लाइन है ना उसके बाद आपको बीच में बॉडी लिखनी है जो कि आपका मेन पार्ट है सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में शॉर्ट इंट्रो दे दो कि किस चीज के बारे में टॉपिक है शॉर्ट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो करंट सिचुएशन है उस टॉपिक को लेके कि अभी करंट में उस टॉपिक को लेके क्या क्या चीजें चल रही हैं कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं कुछ उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ उसके एडवांटेजेस उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो कुछ डिसएडवांटेजेस हाईलाइट कर दो है ना और वर्ड लिमिट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है ठीक है उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जब भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो या फिर कोई प्रॉब्लम बताओ उस सिचुएशन से रिलेटेड तो आप अपने आपके पास स्ट्रांग पॉइंट भी होंगे और वीक वीक पॉइंट भी होंगे ठीक है लेकिन आपको सबसे पहले स्ट्रांग पॉइंट से स्टार्ट करनी है ठीक है जो वीक और मीडियम पॉइंट है वो आप बीच में भी लिख सकते हो लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग जो है आपको अपने पैराग्राफ की स्ट्रांग पॉइंट से ही करनी है ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट में आपको अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप थोड़ा बहुत कंक्लूजन दे दो कि आप क्या सोचते हो इस इस तरीके से तो ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो गया है ना तो और लास्ट में आप ये लिख दो कि थैंक यू फॉर कॉपरेशन ऑडियंस को आप बोलोगे कि आपने मेरी इतनी लंबी बोरिंग सी स्पीच सुनी जस्ट फॉर किडिंग तो उसके लिए थैंक यू कॉपरेशन और आपके पेशेंस के लिए ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी स्पीच में काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आपने ये सारी चीजें एड करी थो. तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल एक इसका ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे स्पीच राइटिंग करनी है ओके सो so, एग्जाम्पल क्या है यू आर अली या फिर आलिया हेड गर्ल या फिर हेड बॉय हो आप अपने स्कूल के सो so, यहाँ पर आप डीपली डिस्टर्बड हो क्यों? क्योंकि बच्चों का जो स्कूल में बिहेवियर है एग्रेसिव बिहेवियर है कि वो बड़ा गुस्सा कर रहे हैं उस चीज के आपको उस चीज के लिए आपको मॉर्निंग असेंबली में बोलना है ठीक है कि स्कूल्स के अंदर बड़ा इनडिसिप्लिन आ रहा है तो काफी अच्छा मुद्दा भी ये दिया है वैसे है ना तो आप सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई हेडिंग लिखोगे हेडिंग तो आपको क्वेश्चन मिल लिखोगेडिंग इन डिसिप्लिन इन अंडरलाइन कर दिया हेडिंग लिख दी उसके बाद आप ओपनिंग लाइन लिखोगे ओपनिंग लाइन में मैंने आपको बताया ही है कि कैसे आपको तो, ओपनिंग लाइन लिखनी है ठीक है ओपनिंग लाइन में क्या करोगे कि थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन दे दिया लाइक हल्का सा एक दो लाइन में कि हमने देखा है कि हमारे स्कूल्स वगैरह में कुछ पिछले हफ्तों से बच्चों का जो टेंपर है या फिर बच्चों की जो चिढ़ाने की आदत है मजाक उड़ाने की आदत है फाइट के केसेस हैं बहुत ज्यादा देखे गए हैं ना तो हल्की सी एक ऐसी लाइन बोल दी ताकि लोगों को हिंट हो जाए कि किस बारे में बोल रहे हैं अभी है ना उसके बाद आपको सेलिटेशन देनी है गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स माई डियर फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स या फिर ऐसे भी लिख सकते हो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड ऑल जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है टुडे आए और क्वेश्चन आपका नाम लिखा ही है अली या फिर आलिया योर हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ द स्कूल स्टैंड बिफोर यू टू थ्रो लाइट ऑन किस चीज के ऊपर बोलना चाहता हूँ अपॉन ग्रेव इश ऑफ इनक्रीजिंग करनी है और यही पर आपके बहुत सारे पक्के अब आपको देखो तीन पैराग्राफ लिखने हैं मोटे मोटे से और लास्ट में एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ और थैंक यू ठीक है अब ये पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से कैसे कैसे लिखा हुआ है आज मैं सबको इस चीज के ऊपर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा कि <laughs> टीचर्स की बात ना मानना उनको डिसोबे करना मजाक उड़ाना पीयर्स के साथ यानी कि अपने क्लासमेट के साथ फाइट करना इंसल्ट करना बेजती करना बहुत कॉमन ट्रेंड बन गया है यही नहीं पेरेंट्स की भी कंप्लेन आ रही हैं कि उनके बच्चे का जो बिहेवियर है एटीट्यूड है वो बदल गया है ठीक है और इसकी वजह से बच्चे जो हैं हर्ट हो रहे हैं इमोशनली मेंटली फिजिकली भी ठीक है अब ये जो है एटीट्यूड बच्चों का वो बच्चे के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है और ये बहुत मतलब अगर ऐसा बिहेवियर हो गया ना बच्चे को तो बदल नहीं सकता इ रिवर्सेबल है और बहुत गहरा डिजास्ट असर डालता है बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर है ना नॉट टू फॉगेट कि इसके साथ साथ बच्चे जो है स्कूल की प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंचा रहे हैं चौकस को चोरी कर लेते हैं फिर ऐसे से तोड़ तोड़ के मारते हैं है ना उसके तो बाद डेस्क को भी ऐसे कंपस से खरोच देते हैं या फिर कुछ ऐसे कर देते हैं वॉल्स वाशरूम के डोर्स सीसीटीवी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और भी बहुत सारी तो लिस्ट चलती ही रहती है और इसकी वजह से हम क्या कर रहे है की जो ऑर्गेनाइजेशन हमें लिखा पढ़ा रही है उसी के थ्रू उसी के ऊपर हम डिस डिस कर रहे हैं तो बहुत सारी मीटिंग्स के बाद लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया पीर प्रेशर इसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स देखे जा रही हैं कि गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल पा रही है बाय पेरेंट्स या फिर बाय टीचर्स सोशल मीडिया का सर बहुत ज़्यादा है पीयर्स भी थोड़ा प्रेशर देते हैं कि तुझे तो ये करना ही पड़ेगा इस तरीके से नहीं तो तू तो हमारे दोस्त नहीं तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, है ना कुछ काउंसलर हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें लाइफ स्किल क्लासेस लेनी पड़ेगी सभी के लिए टीचर को काउंसलिंग करनी पड़ेगी मोटिवेट करना पड़ेगा फ्रेंडली वैल्यूज इंकलकेट करनी होगी पेरेंट्स के लिए सेमिनार करना होगा टीच स्टूडेंट्स के लिए भी सेमिनार करते रहना होगा ऑन रेगुलर बेसिस और काउंसलर को भी हायर करना पड़ेगा जिसके जिसके पास जाके बच्चे जो है अपनी फीलिंग्स वगैरह पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर सकें और वी आर डूंग एवरीथिंग वी कैन की हम तो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं और हम भी आपसे यही चाहेंगे मतलब बच्चों से यही चाहेंगे कि आप लोग भी अपना उतना ही योगदान दो और इन सब चीजों को ना करो ठीक है सो so, इसलिए चलो सबके सब हाथ में जाते हैं और हम एक ऐसा पर्यावरण बनाते हैं जिसमें हम सबको एनकरेज मोटिवेट हेल्प कर सके एक दूसरे के लिए काइंड रहे और सिविलाइज पीपल बने जो सब एक दूसरे से प्यार करें ठीक है थैंक यू इस इस तरीके से और वो कॉपरेशन वाली लाइन भी आप डाल सकते हो इस इस, इस तरीके से है ना तो इस तरीके से हमारी जो स्पीच राइटिंग थी वो कंप्लीट हो गई आई होप आपको इसका फॉर्मेट समझ में आया होगा सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब यू चैनल थैंक यू सो मच